बंदे दी रूह कंबदी है चीज दिखी है। नौजवान पुत्र मरी है इस बंदे दा, नौजवान पुत्र मरी है, ब्याह दे साल होया। अच्छा। बंदे दा बाजू कटिया गया बंब कन्ने। अच्छा। बंब लगा गया अपनी बेली तार कटा दे। बंब लगा दे देखो पूरा बाजू कटा गया, अखे दुना हुई है बंदा। अच्छा। कोने पूछे पाकिस्तान दी वकील, पाकिस्तान दा मतलब सेलिंग हुई है, वो बंब लगा इसी देखो उसी बंदे की लभदा नहीं। अज कोने पूछा इसी यानी पे तेरी की हालत है, 5 साल हुई उन्हें खट्टा पर पे दे। अच्छा। मतलब ये चीजें दिखनी चाहिए गवर्नमेंट ने आनी है। अच्छा। मतलब देखो ना उसकी हालत बुजुर्ग की, कौन सांभे भाई उसी माड़े बंदे सांभणू दा कोई। सरकार दे विकास दे दावे की पोल उस वेले खुलदी है कि जिस वेले तुस कुदै ग्राएं पिंडे च जंदे हो उस वेले पता चलता है कि किन्ना विकास जिहड़ा हुआ करता। अज अस आए दे हां आर एस पुरा दे दूर दरेडे अंतरराष्ट्रीय सीमा कन्नै लगदे ग्रां अब्दुलियां च, और जिस वेले अस इस ग्रां च आए तां सड़कां दी हालत दिक्खी है, इ'यां महसूस हुआ करदा हा कि विकास दे हवाले कन्नै एह ग्रां जिहड़ा अब्दुलियां है ये नज़रअंदाज गै कीता गया। उवां इस ग्रां दा जिहड़ा पलंग त्रोड़ है वह पूरा जम्मू खिते च बड़ा मशहूर है, तो पलंग त्रोड़ ताईं गै अस इस ग्रां विच आए हां, पर विकास दा नाम और निशान जिहड़ा है वह इत्थे घट गै लब्भा करदा है। इस ग्रां दे वसनीक मेरे कन्नै इहदे कन्नै गल्लबात करने आ, तो केह नाम साहिब इहदा जी? केवल कृष्ण। केवल कृष्ण जी, किन्नी आबादी है तुंदे ग्रां दी? इह जी कोई 100 घर है साडा इत्थे। अच्छा। तो केड़ी पंचायत है तुंदी? चंदूचक। चंदूचक पंचायत है। आ दिखा करने आ, विकास की गल करचै तां बड़ी इं घट लब्भा दा, केह कारण है? महाराज कोई विकास है ही नहीं इत्थे। देखो साडी सड़कें दी हालत, देखो नालियां, देखो साडियां, मतलब तुस मेन गली दे विच खड़ो, मेन गली है साड़ी, मेन छड़ी जिहड़ी छोटियां गलियां ने साड़ियां वह भी कोई नहीं बनी दी हाल तकर। वह पता नहीं कुल्ले दियां कुतै बनी, पुरानियां इट्टां ने लगी दियां, बाकी कोई कुछ नहीं है। ये देखो ना चक्कर लाइए तुस, नाली दी हालत देखो, कोई रोड दी देखो तुस, बिल्कुल कुछ नहीं। एक बार्डर पर रहने वाले अस लोग हाँ, साड़ी सुनाई गै कोई नहीं इत्थे। जिसलै कोई वोट आउंदे ने फिर थोड़े बहुते वादे वूदे कर देने, अस ये करगे वो करगे, मगर बाद कोई नहीं आउंदा, कोई नहीं करता साढ़े वास्ते। अच्छा। बिल्कुल कुछ ने पुछया नहीं आनी है। दूआ नंबर जी, अगर डिफेंस बन रहा मतलब हूँ अगर, अच्छा, वो साढ़े कन्नै जबरदस्ती ये की जा रही है कि इन्हें एक बनाया कि उत्थे पैली है जिहड़ी सरकार दी पैली है। अच्छा। मतलब सानू लोकें गी बहुत परेशान करा दे ने, मतलब ठेकेदार मिले दा, कुछ महकमा मिले दा, कन्नै ये आनी है हुण साढ़े पर प्रेशर पा देन कि असें तुंदी कणक है जिहड़ी चुकी लैनी है इत्थों। नहीं राई भाई तुस कर दे, राई मारे, राई दी कणक पक्कने पर आई, होर 20 दिन कणक पक्की जानी है अप्रैल महीने। अच्छा। ये मतलब सानू रोज का प्रेशर बना देने भाई आनी है, सरकार इत तहसीलदार आओ जां फलाना आओ, आनी है जमीन कढ़ी लगे तुंदी ते असें मिट्टी जबरदस्ती चुकनी। महाराज ये कोई न्याय थोड़ी है इस कमे का, मतलब कि गरीब की तंग करने वाली गल होई ना इक, मतलब सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि अस किसानों वास्ते ये करा दे वो करा दे, सना वाले तो कोई देखा नहीं था कोई किसानों वास्ते कुछ करता। अच्छा। जी तुम तो मिट्टी की गल की है, तो ये किन्ने किसान इस इलाके की जिंदी मिट्टी चुकी जा करती है? महाराज ये मतलब पूरा पिंड गै ला लो तुस जी, मतलब हर बंदे को दो दो चार चार कनाल हो सकता सरकारी जमीन, अस नहीं आखते भी नहीं है, सरकार जमीन लै अपनी आनी है, मतलब वो बाउंड्री करी उड़े, सानू फसल बढ़न दे, सानू तलाह दे, उतों तहसीलदार आवे, SDM आवे, तलाह करे साढ़े कन्नै आनी है, महाराज भाई ठीक है भाई ये जमीन सरकारी है तो असीं तां फसल बढ़ी लो। अच्छा। अस बढ़ी लगे, जमीन की बाउंड्री कर लो अपनी, कोई मना नहीं करता, कोई भी सरकार की चीज़ है जिहड़ी उसी कोई मना नहीं करी सकदा। महाराज ये नहीं है ये प्रेशर पाया जी 10 फुट उत्थे खड्डे मारने, असें मिट्टी चुकनी, मनने मिट्टी चुकनी, अगर BSF का काम लगे दा होवे ना तो अस मिट्टी फ्री भी देई ओड़ने आ। जब ठेकेदार ने 15-16 करोड़ रुपए का ठेका ले दा तो फिर ये की मतलब है कि लोगों का फसल चुकने का? बिल्कुल। वो थोड़ी चुकी सकता, जबरदस्ती वाली गल हुई ना फिर, मतलब पिंड कन्नै बेहिए सलाह करो भाई कियां होना चाहिए, अगर जमीन खाली होग फिर अस सोच गए भाई कियां जमीन आ पंचायत का गठन होएगा। हाँ मतलब पिंड पूरा कट्ठा होग, पंचायत कट्ठी हो, जो फैसला करे सानू मंजूर है, ग्राम सभा सदो ओहदे च गल्लबात करो, मतलब ओहदे बेहिए गल करो तुस। बिल्कुल। मतलब वह चीज़ की सोचते नहीं है कि प्रेशर पाने वाली गल करते हैं, महाराज साढ़ा पर तो वो थोड़ी चल सकती है। बिल्कुल। जिमींदार अपनी जमीन वास्ते मरी सकता, मतलब जमीन नहीं दिंदा को है। अच्छा किन्ने चिर होया तुसीं एकड़ी जमीन बांधे? महाराज 47 की बगैर जमीन, साढ़े दादे पड़दादे बेचारे जमीन 47 कोला ही पहले दी। हाँ। सरकार की उस वेले चेता नहीं आया 47 दा बाद भाई ये जमीन जेड़ी साड़ी है? ना उल्ले नहीं आया, उल्ले कोई सरकार नहीं आई, जुल्ला सीधे मुंड पुटदे साढ़े दादे पड़दादे आनी है, उल्ले नहीं कुछ भी आख्या नहीं है। अच्छा। हूँ गए जुल्ले दिखा फसल लगे तो हूँ डिफेंस बना देने, मिट्टी इतों चुकनी है जी, हूँ सरकारी जमीन लगे ने कड़ने। अच्छा। तो क्या तुसें जी गल है उपर जो उच्च अधिकारी ने उनके नोटिस आती है?
मेरे वो आसे नहीं आती है इे ने दौड़ा दे उए ना आवे पटवारी गुरदौर गए हैं इतने मतलब सानू तो अली ने पूछे नहीं है असं आपे गए बेहिए कल मीटिंग की भाई यदा की मसला हल होना चाहिए पूरा मतलब पिंड कट्ठा होया हा हूँ देखो मतलब की डिसीजन आता कल तो छुट्टी ही अज तो कोई आया नहीं है हूँ देखो की होंगे तो तुंदा क्या ग्रां प्रभावित हो वाला जो बाकी के जो ग्रां उ भी मतलब अली जी अब्दुलिया गाँव का वाला अली को भी चंदू चक भी है उ नहीं गए अब्दुलिया वर्ग जो रहा आनी जाइए पहले इतों के शुरू करो आनी है अच्छा हाँ देखो ना चलिए डिफेंस जरा मतलब इन्हें जमीन साढ़े को 135 फुट ले दी है इन्हें पैसा दिता गोरमेंट ने उस ने मनाही नहीं की तो जो मर्जी बाई राई करो डिफेंस बनाओ जो मर्जी करो कुछ ने दखलंदाजी नहीं की उस काम के तो हूँ ये थोड़े महाराज कि जबरदस्ती आनी है तो लोगों का फसल बर्बाद करेंगे कोई तरीका थोड़े हाँ फसल तो कटोई लेना चाहिए फिर बेहिया गलबात करो भाई जी गल मतलब और चीज़ें मेरे ख्याल करते हैं साड़ी सरकारी जमीन सारे रोडें का क्यों नहीं गोरमेंट ख्याल करते आनी है मतलब महकमे वाले भाई रोड देखो साड़िया नालिया देखो आनी है मतलब इनकी लोगों की हालत देखो यह भी तो चीज़ा दिखनिया चाहिए ना महकमे ने आनी है बिल्कुल बाहरों आनी है कौन प्रैशर पाया जी चलो जी जमीन कढ़ो सरकारी माहे कोई मना नहीं किया सरकारी जमीन ने कडो तुस तो 20 बारी कडो जमीन उसकी बाउंड्री करी उड़ो तार लाई उड़ो गवर्नमेंट अपनी नहीं जिस वेले लोग सरकारी जमीन की बाहे होंगे ज कब्जा करते हैं तो उस वेले सरकार कुछ सुती जाए उल्ले कोई आया नहीं महाराज कद कुछ ने पूछा कि नहीं इस चीज़ की आनी पटवारी गुरदौर भी उल्ला होने उल्ले भी है ऐसे महाराज शुरू तो गए ने मतलब उल्ले कोई नहीं हूं गए प्रेशर बनाए ने बजुर्ग दुकान है ना मेरे कहना इधर चलो अंदर बजुर्ग दू तो भी दसी जाना हूं एक मिनट इधर आओ देखने वाली गल है मतलब बंदे की रूह कमदी चीज दिखी है नौजवान पुत्र मरी इस बंदे का नौजवान पुत्र मरी है ब्याह हो साल होया हा अच्छा। ये बंदे का बाजू कटिया गया बंब कन्नै अच्छा। बंब लगा गया अपनी बेली तार कड़ा दे अच्छा। बंब लगा दे देखो पूरा बाजू कटिया गया अखे तो अन्ना हुई है बंदा अच्छा। कुछ पूछे पाकिस्तान का मतलब सैलिंग हुई है वो बंब लगा इसी देखो उसी बंदे की लभदा नहीं अज कुछ ने पूछा इसी आनी भाई तेरी की हालत है पांच साल हुई उन्हें खट्टा पर पे दे मतलब ये चीजा दिखनी चाहिए गवर्नमेंट ने आनी है अच्छा। मतलब देखो ना उसकी हालत बजुर्ग की कौन सांभे भाई उसी माड़े बंदे सांभण दा कोई ये तो चलो परिवार है कोई अपने सांभा देन बेचारे की अच्छा। तो गवर्नमेंट का भी तो फर्ज बनता ना कोई इहदी आनी हेल्प करनी चाहिए ते जेड़ी पेंशन बजुर्गें दी थोंदी ओह भी कख नहीं पप्पू है नहीं लगी पेंशन भी अच्छा पेंशन वगैरह भी कोई नहीं कोई कुछ नहीं है ठीक है पेंशन ते लगी सकती ना इंदी की के अपाई जो चार मारे गल ते फिर उठ के मुकदी है ना सुनदा कौन है माड़े लोके दी गरीबे दी सुनदा कौन है ते अच्छा तो पंच सरपंच तुसे बनाए दे उन्हें भी नहीं इस बच्चे कोई केयर नहीं करता महाराज माड़े दी कोई केयर नहीं करता है वो भी अपने अपने बोझे भरने ने सारे दे बस विकास के हवाले की गल की है तो कुसें पंचायतें की फंड्स धोंदे ने सड़कें दे धोंदे ने गलियें दे धोंदे ने ते तुंदे तक नहीं पुज्जे कोई पैसा सानू तो कोई सुनया नहीं फंड इत्थे कोई आया हाली तक ते कदुआं दा ए इहे नेहा पेदा बचाना ए बड़े चिर हो गया 8-10 साल हो गया जो मैं फैर शहर हों अच्छा हूँ तो फैर बंद है फायर हूँ तो फैर बंद है मतलब अच्छा जिस वेला फायरिंग होंगी है तो यह तुस रेंज होंगे हाँ मारे ये कन्ने के बार्डर है इतना तो फिर उस स्थिति के करते मोर्चे बड़ी जन्ने जाना कुछ मोर्चे बनाए दे कुछ बनाए मोर्चे जो कोई बने भी इन्ना पानी खड़ोते मतलब माउंटियां नहीं बनिया दरवाजे नहीं लगे होने खाली छड़े इं खाना पूर्ति हुई खाली 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 चलो भी तुम दसी आने मोर्चे भी दिखो हालत चली है अच्छा हाँ कख भी है अब्दुलिया ग्रां च ये मोर्चे जेड़े ने सरकार की बखी का बनाए गए हैं तो केवल जी ये मोर्चा जोड़ा है ये की बनाया गया ता कि जी शैलिंग होंगी ही इधर फायरिंग होंगी ओ बचा तो ही है हाँ जी हाँ जी ये वास्ते बनाए गए हैं
ते बनाई उड़े दे ने इं बेगटा बेगा देखो ना यदि हालत है जी मोर्चे की ना तो इतने ममटी बनी है ना इन्हें कोई दरवाजे लगे ने ये लोग अपने लवाए ने अच्छा। बारिश कुता हुआ तो पानी कहने पहले परचीज देते अच्छा जल्द मोर्चे बनाए उन्हें दरवाजे नहीं लाए ना कुछ नहीं लाए देने कोई दरवाजे दरवाजे नहीं लाए खुले पे देने खाली अच्छा। ये अपने अपना कोई लवाया हुआ तो बड़ी गल नहीं बाकी है नहीं लवाया कुछ ने जहां तक इन्हें ममटियां नहीं महाराज बनने दरवाजे के करे और यदि देखो ना साफ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है मतलब अगर जरूरत पई है जा कुदै औखी बाधी घाटी च ते किंगी जाना इत्थे उगे ना फिर मतलब गोली कोला बचो ते सप्पा कोला खाओ एक काम ते होना गा फिर हां उधरा बचो ते इधरा कोला मतलब इंदा अच्छा किन्ने पैसे लगे हे इहदे मोर्चे बनाने दे कोई पता तुसी मतलब हुण देखी लो तुस 2-4 लाख कोला घट के बनेगा हुण कागते सरकारी काम न भाई पैसा पानी वाले लेखा रुड़दा हां ओ ते है ओ ते सामने लब्भा दा तुसी सामने लब्भा दा और इदा रखरखाव जेड़ा लब्भा दा भाई ए ते हुण सिनकू ने गा चटने ना हाँ जल्द नहीं कोई सामभ हो कोई चीज़ की तो फिर उसे कहना खाने ने ये को गोरमेंट सू कोई लख लख दी तो अस अपने घर के बनवाई लेंगे वो सामभ तो करते नहीं होंगे चलो भाई अपने सरकार की चाहिए अपने बेड़े बनाते चलो सामभ संभालते होंगी हाँ बाकी देख लो हम बहर बने ना घर इंदा वो बेचे बंदे का जिथे बने जल्द फैर होंगी तो ये इतना थोड़ी पुजन होंगे नहीं पुजन होंगे उस वेले तो नहीं जी पुजन होंगे मतलब पूरे दीवारे मतलब इन्ना फैर हों बहर निकल नहीं होंगे बंब पाते पहले गोली होंगी ना तो लोग अंदर चली जाते जल मोटे फाया बंब पाते तो कुछ जाना थे वो देखे ना बंदे की हालत की बनी दी है वह बांग बट पूरी कट्टी उड़ी उन्हें और अखी का भी बेचारा नहीं लगा खत्म हो कि चिर हो खट्टा पर पे दे उन्हें बिल्कुल सीमावर्ती जेड़े साढ़े इलाके न अंतरराष्ट्रीय सीमा कने लगते साढ़े जेड़े इलाके न उन्दे विकास के हवाले कने गल करचै तो हालत हाली भी बड़ी खस्ता है उहां केंद्र सरकार की बखी दा अंतरराष्ट्रीय सीमा कन्नै लगदे ते वास्तविक नियंत्रण रेखा कन्नै लगदे इलाकें आली बक्खी खास तवज्जो देने की गल की जा करती है पर जिस वेलै इन्हें थारें पर जाओ और तुसें सुनी गै लिया होना कि इत्थों दे बसनीकें गी किन्नियें मुश्कलातें दा सामना करना पवा करदा है और सरकार की चाहिदा है कि खास तौर पर जेहड़े सीमावर्ती इलाकें दे लोक न उंदे विकास वाधे आली बक्खी खास ध्यान देना चाहिदा ताकि ओह लोक भी सुखे का जिहड़ा अपना जीवन है वह बसर करी सकन।